नाउ सी नेक्स्ट स्लाइड अवर कॉन्स्टिट्यूशन. इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन गिवेन दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ इंडिया. फर्स्ट इज द इंडिया इज अ सोवरेन स्टेट. सोवरेन मीन्स द स्टेट इन विच देर इज नो फॉरेन डोमिनेंस. मीन्स द कंट्री इज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट, फ्री आउट ऑफ एनी आउटसाइड प्रेशर. ऑल ऑफ यू नो दैट इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री. इट हैज नो अदर कंट्रीज कंट्रोल लाइक द ब्रिटिश पीरियड. ब्रिटिश वॉज द मास्टर ऑफ आवर कंट्री. इंडिया वॉज ए कॉलोनी बट नाउ आफ्टर 1947 इंडिया गॉट इट्स इंडिपेंडेंस एंड वॉट एवर डिसीजन इंडिया टेक एज ए कंट्री विदाउट आस्किंग एनी अदर्स. नो एक्सटर्नल कंट्रोल. नो अदर कंट्री कैन इंटरफियर इन द मैटर ऑफ इंडिया. भारत अपना एक इंडिपेंडेंट कंट्री है. ये जो करता है अपनी इच्छा से करता है. कोई दूसरा देश इसके ऊपर प्रेशर डाल के कोई बात नहीं करवा सकता है. ये है सोवरेन. सोवरेन मीन्स फ्री फ्रॉम ऑल द या एनी एक्सटर्नल कंट्रोल. देन इंडिया इज ए सोशलिस्ट स्टेट. सोशलिस्ट. सोशलिस्ट मीन्स द कंट्री विच ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन इक्वालिटी इन इकोनॉमिक मैटर. मीन्स आर्थिक रूप से सभी सिटीजन को समान दृष्टि से देखता है. द कंट्री विच डू नॉट प्रमोट द रिच पर्सन. द कंट्री विच ऑल्सो लुक आफ्टर द पुअर्स. सो एनी टाइप ऑफ इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन. आर्थिक रूप से किसी को दिक्कत है देन इन इंडिया देर आर मैनी प्रोविजन्स टू प्रमोट देम. पैसा के मामले पर जो कमज़ोर है उनको बहुत सारा सुविधाएँ देश से दिया गया है टू इम्प्रूव देयर कंडीशन इकोनॉमिक कंडीशन. बिकॉज आवर एम एंड मोटो ऑफ इंडिया इज टू मेक इंडिया ए सोशलिस्ट स्टेट. इक्वल सोसाइटी और विदाउट मॉनिटरी इक्वालिटी यू कैन नॉट एक्सपेक्ट इक्वल इक्वालिटी अमंग द पीपल. ये एक समान समाज चाहता है. समान मतलब ऑल सिटीजन्स आर इक्वल. इक्वल बिना पैसा का. इफ देर विल बी रिच एंड पुअर. बहुत धनी बहुत गरीब लोग रहेंगे तो फिर आप उसको इक्वालिटी नहीं मेंटेन कर पाएंगे. वो इनइक्वालिटी रिच सेक्शन विल बी ए डिफरेंट ग्रुप एंड पुअर पीपल विल बी इन ए डिफरेंट ग्रुप. ये हमेशा रहेंगे. इसलिए टू मेक सोशलिस्ट स्टेट टू इंडिया द गवर्नमेंट ऑलवेज ट्राई टू स्टॉप द अगेन एक्सप्लोइटेशन. मीन्स इकोनॉमिक एक्सप्लोइटेशन. पैसा में किसी को कमज़ोर करने के लिए कोई कोशिश करेगा लूटेगा तो इंडिया उसको रोकेगा. तो आप देखते हैं देर आर मैनी स्कीम्स ऑफ द गवर्नमेंट. राइस एंड वीट फॉर 1 rupee एंड 2 rupees. फ्री मेडिकल फैसिलिटी. फ्री हाउस. मनी ट्रांसफ़र टू द पुअर पीपल. ये सब सरकार करता रहता है. एंड
चार्ज ए वेरी हैवी टैक्स फ्रॉम द रिच, धनी लोग से बहुत टैक्स लेता है, जिसके पास ज़्यादा पैसा है उससे पैसा खींच लेता है, दो झाप लेस मनी, जिसके पास कम पैसा है उसको पैसा वो दे देता है फिर उसको, ताकि उसको इक्वल करने का एक उपाय है। नेक्स्ट यू सी, इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। सेकुलर मीन्स नो डिस्क्रिमिनेशन मेड ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजियन। द कंट्री हैव नो स्टेट रिलीजन। जैसे हम लोग पढ़ते हैं नेशनल फ्लैग, नेशनल एंथम, नेशनल एनिमल, नेशनल फ्लावर, सब नेशनल पढ़ते हैं, लेकिन इन आवर कंट्री देर इज नो नेशनल रिलीजन, बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। ऑल द रिलीजियंस गेट इक्वल स्टेटस इन इंडिया। एनी पर्सन बिलोंग टू एनी रिलीजियन कैन प्रैक्टिस वर्शिप देयर ओन गॉड, दे कैन फॉलो देयर ओन रिलीजियस फंक्शंस, नो बडी कैन डिनाई देम बिकॉज गवर्नमेंट मस्ट प्रोटेक्ट देम। सरकार उसको जरूर ध्यान देगा। कोई जब किसी समुदाय के लोग रिलीजन के बेसिस पर संख्या में कम है, और जो लोग वहाँ दूसरे रिलीजन वाले संख्या में अधिक है, इनको किसी भी तरह परेशान करते हैं, तो फिर सरकार उनको देखता है, प्रोटेक्शन देता है, बिकॉज इंडिया इज ए सेकुलर स्टेट। ऑल रिलीजन्स एंजॉय इक्वल फ्रीडम, देयर इज नो स्टेट रिलीजन। नेक्स्ट, इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट अनदर फीचर, दोज आर रिटन इन द बोल्ड लेटर इन योर बुक ऑल्सो एंड यू कैन ऑल्सो सी इन दिस स्लाइड। दिस इज द इंडियाज मेन फीचर, बोल्ड लेटर राइटिंग्स। हियर रिटन डेमोक्रेटिक स्टेट। डेमोक्रेटिक स्टेट इज ए स्टेट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। जहाँ रूलर लोगों से चुना जाता है। देर आर अदर टाइप्स ऑफ स्टेट्स वे आर द हेड ऑफ द कंट्री या गवर्नमेंट ऑफ द कंट्री इज किंग एंड द मिनिस्टर्स ऑफ किंग। राजा होता है और किंग बाय बर्थ, राजा जन्म से होता है, क्योंकि राज परिवार में जन्म होगा तो राजा बन जाएगा। तो हियर नो रोल ऑफ द पीपल, कोई लोगों का यहाँ रोल नहीं है। दिस इज कॉल्ड द मोनार्की, राजतंत्र। एंड देर आर सम अदर स्टेट्स दोज आर हैविंग डिक्टेटरशिप। यू नो लिसन द नेम ऑफ द हिटलर, डिक्टेटरशिप। डिक्टेटरशिप मीन्स द पर्सन हु कंट्रोल द पावर विथ फोर्स। जबरदस्ती सत्ता पर आ जाता है, किसी को मार के राजा को या किसी को हटा के रूलर को, प्रीवियस रूलर को, एंड डू अकॉर्डिंग टू हिज विश। There is no constitution, no rules and regulation. Whatever the dictatorship want, this is the rule. Dictatorship जो ज़बरदस्ती आ जाता है कंट्री में, लड़ाई झगड़ा करके या कोई चाल चला के, और जब वो आ जाता है सत्ता में तो कानून नहीं मानता है, अपना मन का जो आता है उसी वो करता है। बट इंडिया इज ए डेमोक्रेटिक स्टेट, नॉट ए मोनार्की,
not a dictatorship country, state. Here, we the people, हम लोग जो इलेक्शन बार बार होता है देते हैं, this is the process to select a government. इसी प्रोसेस में गवर्नमेंट को सिलेक्ट होता है, whether the Prime Minister of India, whether the President of India, any minister, any big political position, जितने बड़े बड़े political position या तो फिर नेता को देखते हैं जो मंत्री बनते हैं, all they are passing through the election procedure. कहीं ना कहीं लोग उनको वोट देते हैं तब ये बनते हैं रूलर, और डेमोक्रेटिक कंट्री में यही होता है. द गवर्नमेंट इज अकॉर्डिंग टू द विश ऑफ द पीपल. द रूलर इज इलेक्टेड बाय द पीपल. द रूलर्स आर जस्ट अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल. लोगों का वो जस्ट मुखिया है, उसको चुना गया है कि तुम जाओ हमारा एरिया का बात रखो और हमारा एरिया में जो है उसको करो. एक एरिया में 5 लाख लोग होते हैं. हाँ, ऑडियो किसी का जो खुला है उसको बंद कर दीजिए. ऑडियो किसी का खुला है तो वो बंद कर देगा, डिस्टर्ब हो रहा है. नाउ इंडिया इज ए, ऑडियो किसी का ओपन है क्या? देखिए देखिए जल्दी. हाँ, बंद हो गया. इंडिया इज ए रिपब्लिक. यार रिपब्लिक, रिपब्लिक क्या है? द रिपब्लिक इज ए स्टेट वेयर द हेड ऑफ द स्टेट. उस देश का जो हेड होता है. इन आवर कंट्री हु इज द हेड ऑफ आवर कंट्री? द प्रेसिडेंट. राष्ट्रपति इज एन इलेक्टेड पर्सन. देश का हेड जो होता है, इन आवर कंट्री दैट इज प्रेसिडेंट. और राष्ट्रपति ही इज ए इलेक्टेड पर्सन, उसको भी इलेक्ट किया गया है. बट कॉमन पीपल डू नॉट वोट टू द राष्ट्रपति. आप कभी राष्ट्रपति का चुनाव पब्लिक में लोग वोट देते नहीं सुने होंगे, लेकिन राष्ट्रपति सिलेक्ट हो जाते हैं. आप खबर पाते हैं कि ही विल बी द राष्ट्रपति या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया या इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया. और इसका इलेक्शन कहाँ होता है? हाँ, ऑडियो किसका ओपन हो रहे हैं? बंद कर दीजिए. और इनका इलेक्शन कहाँ होता है? इनका इलेक्शन मिनिस्टर्स, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एमपी और एमएलए ये सब देते हैं. इन लोग का वोट पार्लियामेंट में होता है. जहाँ राज्यसभा लोकसभा वहाँ हम लोग का रिप्रेजेंटेटिव चुना गए हैं, वो इलेक्शन देते हैं. उसका मतलब प्रेसिडेंट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड. डायरेक्ट इलेक्टेड नहीं होते हैं. हम लोग का जो जनप्रतिनिधि है, हम लोग जिसको एमपी बना के भेजे हैं, वो वोट करता है. तो रिपब्लिक इज ए कंट्री वेयर हेड ऑफ द स्टेट और कंट्री इज ए इलेक्टेड पर्सन. कहीं से उठा के नहीं रखा जाता है. जैसे द हेड ऑफ द स्टेट इन इंग्लैंड इज द क्वीन. वहाँ का रानी को देश का हेड माना जाता है. इट इज नॉट ए इलेक्टेड पर्सन. दिस इज द हियरार्ची. हियरार्ची मीन्स जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलते जाता है. मोनार्की राजतंत्र में होता है, राजा का सिस्टम में होता है कि उसका बेटा राजा होता जाएगा.
The same process is followed in England. But in India, our president is a elected person, continue for 5 years, 5 साल वो continue करते हैं, उसके बाद फिर दोबारा election होकर उनको चुना जाता है. Then another feature of India is parliamentary forms of the government. Parliamentary forms of the government. All of you know we have a parliament in Delhi, New Delhi. The parliament has two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. All of these you will study in next chapter in detail. आप डिटेल में सब आगे इसी को सब पढ़ने जा रहे हैं. बस समझ लीजिए पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में पार्लियामेंट इज वेरी पावरफुल. ऑल द पावर्स टू रन द कंट्री, ऑल द पावर्स टू मेक सर्टेन न्यू रूल एंड द पावरफुल पर्सन इन द कंट्री यू विल फाउंड इन द पार्लियामेंट. पावरफुल पर्सन इंडिया का आदमी कौन है? प्राइम मिनिस्टर. ऑल ऑफ यू लिसन अबाउट प्राइम मिनिस्टर. ऑल द डिसीजंस टेकन बाय द गवर्नमेंट इन द नेम ऑफ प्राइम मिनिस्टर. आप प्रेसिडेंट का कितने बात सुनते हैं? जब देखते हैं प्राइम मिनिस्टर, मोदी जी अभी प्राइम मिनिस्टर है तो हर बात के लिए. अभी चाइना में जो लड़ाई हुआ है, ऑडियो बंद कीजिए, कोई खुला है. अब चाइना में जो अभी डिस्प्यूट चल रहे हैं इंडिया चाइना, फेस ऑफ आमना सामने जिसको बोलते हैं फेस ऑफ, तो इस पीरियड में क्या है, सब लोग बोल रहे हैं कि मोदी जी कुछ करेंगे, मोदी जी कुछ कीजिए. तो प्रेसिडेंट को क्यों नहीं बोलते हैं? बिकॉज इन इंडिया पार्लियामेंट इज द पावरफुल यूनिट. ऑडियो किसका खुला रहता है वो बंद करके रखिए. और प्राइम मिनिस्टर इज द लीडर ऑफ द पार्लियामेंट. प्राइम मिनिस्टर पार्लियामेंट में लीडर है बिकॉज ही इज द हेड ऑफ द रूलिंग पार्टी. बार बार बता जा रहे हैं, तुम लोग ऑडियो ऑफ करके रखोगे तुम लोग को दिखाई नहीं, समझ में नहीं आता है. अभी भी ऑडियो किसी का खुला है, चेक करो और बंद करो. योर ऑडियो मस्ट बी ऑलवेज इन म्यूट व्हेन आई आस्क एनी क्वेश्चन. अनम्यूट योर ऑडियो एंड देन आंसर. नहीं तो यहाँ बहुत डिस्टर्ब होता है, सुनाई नहीं देता है, हम वहाँ का साउंड बहुत तेज आता है. Then in our parliament prime minister is the leader of the parliament because he is the leader of the majority member of parliament MPs. That's why he is in government. पार्लियामेंट में जो पार्टी का संख्या में अधिक मेंबर होते हैं वो सरकार बनाता है और उस सरकार का मुखिया है प्राइम मिनिस्टर. इसलिए प्राइम मिनिस्टर भी पार्लियामेंट का हेड है, मीन्स पावरफुल पर्सन. तो इन इंडिया वी हैव ए पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. इन पार्लियामेंट द प्राइम मिनिस्टर इज पावरफुल, एक्चुअली रनिंग द कंट्री
बट द प्राइम मिनिस्टर विल बी पावरफुल एज लॉन्ग एज द पार्लियामेंट वांट. पार्लियामेंट में जब तक इसका प्राइम मिनिस्टर का पार्टी का संख्या में अधिक है लोग, तब तक पार्लियामेंट में वो पावरफुल है. पार्लियामेंट चाहेगा बदलने के लिए तो पार्लियामेंट कैन चेंज बाय वोटिंग इफ द प्राइम मिनिस्टर इज नॉट वर्किंग अकॉर्डिंगली, ठीक ढंग से काम नहीं करता है तो. पार्लियामेंट में प्राइम मिनिस्टर का सपोर्टर कम हो जाएंगे, 50% से नीचे उनका सपोर्टर्स आ जाएंगे तो फिर उनको हटना पड़ेगा. एज लॉन्ग एज द प्राइम मिनिस्टर मेंटेन द बिलीफ एंड सपोर्ट ऑफ मेजोरिटी ऑफ मेंबर्स इन पार्लियामेंट. पार्लियामेंट में जब तक 50% से अधिक लोगों का साथ है तो फिर प्राइम मिनिस्टर रहेगा और पावरफुल भी रहेगा. और जब 50% से नीचे उनका सपोर्टर हो जाएंगे देन प्राइम मिनिस्टर विल बी नॉट इन इट्स पोजिशन. आप सुनते हैं अमेरिका का नाम. अमेरिका में प्राइम मिनिस्टर का नाम कौन जानता है? जब सुनते हैं प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका डोनाल्ड ट्रंप. प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका वाज बराक ओबामा. तो यू आर ऑलवेज लिसनिंग द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका बट प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया. जिसका नाम सुना जा रहे हैं तो पावरफुल होगा, फेमस होगा. तो अमेरिका के बारे में बस डोनाल्ड ट्रंप पता है आपको, नाम सुने हैं. दूसरा किसी नेता का आपको नाम नहीं पता होगा, सुने नहीं होंगे. ऐसा क्यों है अमेरिका रे? क्योंकि इन अमेरिका देर इज नॉट पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट, देर इज प्रेसिडेंशियल फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. प्रेसिडेंट इज वेरी पावरफुल, ऑल द पावर्स इन द हैंड्स ऑफ द प्रेसिडेंट. बट इन इंडिया वी हैव पार्लियामेंट्री फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट. ऑल द मैटर्स विल बी डिस्कस्ड फर्स्ट इन पार्लियामेंट. देन इफ ए पार्लियामेंट पास द लॉ दैट इट इज ए गुड लॉ देन इट मे बी ए लॉ फॉर इंडिया. पार्लियामेंट कैंसिल किया तो ये भारत में लागू नहीं होगा. पार्लियामेंट सपोर्ट किया प्राइम मिनिस्टर को तो प्राइम मिनिस्टर इतने पावरफुल और इतने बड़ा होकर बैठा, पार्लियामेंट नहीं चाहेगा तो फिर उसको हटा दिया जाएगा. देन फेडरल एंड यूनिटरी. हमको बताइए सुनाई दे रहे हैं कि नहीं, दिखाई दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं? और एक बार बोल दीजिए माइक ऑन कर. हेलो, माइक ऑन करके बोलिए. दिखाई दे रहे हैं? आप लोग पढ़ लेते हैं ना जो दिखाई दे रहे हैं? हाँ, दीज आर द पैसेज जस्ट. ठीक, दीज आर द पैसेज जस्ट टेकन फ्रॉम योर बुक. बुक का ये मैटर है पूरा, उसी को रखा गया है स्लाइड फॉर्म में. तो नाउ वी सी फेडरल एंड यूनिटरी. फेडरेशन कहा जाता है उसको जो कई राज्य को मिला के एक यूनिट बना है. इंडिया देर आर नंबर ऑफ स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटोरीज,
when we take all the states and union territories, then we get Indian Federation. फेडरेशन एक यूनिट है, बड़ा यूनिट, कई छोटे छोटे यूनिट को, कई छोटे छोटे चीज़ को लेके जब बड़ा बना जाता है, दिस इज कॉल्ड द फेडरेशन. तो इंडिया इज ए फेडरेशन, यूनियन ऑफ स्टेट्स, राज्यों का एक यूनियन है. और ये जो फेडरल एंड यूनिटरी, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फेडरेशन इज रिटेन एंड रिजिड एंड डिवाइड्स पावर्स बिटवीन सेंटर एंड स्टेट्स. खाली एक हो जाने से नहीं होगा, द रूल्स आर ऑल्सो डिफरेंट इन सेंटर एंड स्टेट्स. दिल्ली और हर राज्य जो इन मध्य प्रदेश, देयर इज वन चीफ मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान एंड हिज मिनिस्टर्स, उसका मंत्री जिसको हम लोग मुख्यमंत्री बोलते हैं, और यू सी ऑल द स्टेट्स देयर इज वन चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उधर है उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में आपका उद्धव ठाकरे है. तो ये सब राज्य है और उनको सब राज्य को मिला के दिल्ली में एक सरकार है जहाँ प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं. तो इन फेडरेशन या फेडरल सिस्टम द पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमंग सेंटर एंड स्टेट, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच में पावर को बांटा गया है. कैसे पावर, कि कौन सी विभाग का कानून कौन देखेगा. आप स्टेट बोर्ड ऑफ एजुकेशन देखते हैं, राज्य सरकार का स्कूल, एमपी गवर्नमेंट स्कूल, तो ये चलता है मध्य प्रदेश में, आप इसको बिहार में नहीं पाएंगे. यू विल ऑल्सो नॉट गेट इट इन उत्तर प्रदेश. उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश बोर्ड अलग है, बिहार में बिहार बोर्ड अलग है. उसका मतलब राज्य अपना शिक्षा का व्यवस्था खुद देखता है. पुलिस देखिए, एमपी पुलिस, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, सब पुलिस वहाँ का है. और आर्मी देखिए, आर्मी को बोलेंगे किस राज्य का आर्मी है. आर्मी इज ऑलवेज फॉर होल नेशन कंट्री. इसी तरह विभाग बांटा गया है, किस काम को कहाँ देखा जाएगा. जैसे पुलिस विल बी सीन बाय द स्टेट गवर्नमेंट एंड आर्मी विल बी सीन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. और एजुकेशन में भी यही है, देयर इज ए सीबीएसई बोर्ड. सीबीएसई का बात आप सुनते हैं कि ऑल इंडिया इसका एक ही रूल होता है, परीक्षा ऑल इंडिया में एक साथ में होगा, ऑल इंडिया. लेकिन एमपी गवर्नमेंट का आप देखते हैं खाली एमपी में, उसी का स्कूल है और उसी के बारे में नियम कानून परीक्षा कोर्स सिलेबस बाकी चीज नियम जारी करता है. तो देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर, पावर बांटेगा किस चीज़ को कौन सरकार देखेगा, दूसरे का कोई उससे मतलब नहीं है. और हियर द सेंट्रल गवर्नमेंट विच इज कॉल्ड द यूनियन गवर्नमेंट, द डिफरेंट नेम ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट इज द यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट भी लोग बोलते हैं. तो यूनिटरी, जब सेंटर की बात करेंगे तो हमारा कंट्री एक यूनिट है, इंडिया एक हम लोग बोलते हैं. यूनिटरी फीचर्स वी सी, कोई सोचता है कि भारत में यूपी, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, पंजाब, हरियाणा, सब हम लोग अलग अलग, कोई नहीं सोचता है. सब बोलते हैं कि इंडिया एक है, हम लोग सब इंडिया का पार्ट. दिस इज द यूनिटरी स्पिरिट. यूनिटरी मीन्स सिंगल, यूनिट
मीन्स सिंगल, यूनिटरी हो गया सिंगल, यूनिट प्लेस होता है ना मैथ्स में आपका, वंस प्लेस, यूनिट प्लेस पहला। तो यूनिटरी सेंस भी आपको मिलेगा, सारा भारत एक है, सारा भारत के लिए कई कानून इकट्ठा चलता है, आर्मी का, रेलवे का, जो होता है सारा भारत में एक साथ में होता है डिसीजन। और फेडरल फीचर भी पाएंगे कुछ एरिया में, कुछ कानून में राज्य सरकार उस चीज़ को देखता है, कुछ कानून केंद्र सरकार इसको देखता है। तो हियर इन इंडिया बोथ फेडरल फीचर भी मिलेगा, फेडरल का भी लक्षण मिलेगा आपको, वेयर पावर इज डिस्ट्रीब्यूटेड एमोंग सेंटर एंड स्टेट, जैसे पुलिस और आर्मी की बात हम बताए एग्जांपल में, एमपी बोर्ड और सीबीएसई बोर्ड की बात हम बता रहे हैं, अपना अपना स्कूल देखते हैं, उसका अलग स्कूल, उसका अलग स्कूल, उसका सेना अलग है, आर्मी है, इसका सेना पुलिस फोर्स है राज्य में। तो सो दिस इज कॉल्ड फेडरल एंड यूनिटरी, दोनों वर्ड को जोड़ा गया है इन केस ऑफ इंडिया। और दीज आर द फाइव फीचर्स, सोशलिस्ट इज फर्स्ट सोवरेन स्टेट, इट मीन्स इंडिया इज एन इंडिपेंडेंट कंट्री, नो फॉरेन कंट्रोल इज नाउ इन इंडिया, नो एक्सटर्नल कंट्रोल इज इन इंडिया, इंडिया टेक ऑल द डिसीजंस इंडिपेंडेंट सोवरेन सोशलिस्ट, द कंट्री ऑलवेज ट्राई टू मेंटेन एन इक्वालिटी इन द इकोनॉमिक ग्राउंड, आर्थिक स्थिति, आर्थिक मामले पर मैटर में हमेशा चाहता है कि कैसे समान समाज होगा पैसे के मामले पर, सेकुलर स्टेट, ऑल रिलीजियंस गेट देयर अपॉर्चुनिटी इन इंडिया टू बी फॉलोड, देर इज नो स्टेट रिलीजियन, भारत का राष्ट्रीय धर्म ऐसा कुछ नहीं लिखा है कॉन्स्टिट्यूशन में, बनाया नहीं गया है, डेमोक्रेटिक स्टेट, हियर द रूलर एडमिनिस्ट्रेटर देश चलाने वाले जो होते हैं, दे आर इलेक्टेड पर्सन, इलेक्टेड बाय द कॉमन पीपल, ये डेमोक्रेटिक स्टेट, रिपब्लिक वेयर द हेड ऑफ द कंट्री इज एन इलेक्टेड पर्सन, देश का जो हेड होता है वो एक इलेक्टेड पर्सन, इन इंडिया इट इज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इज इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय द पीपल। और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, यू मस्ट लिसनर सीन द वर्ड पार्लियामेंट, भारतीय संसद, संसद में जो मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट उसको सांसद बोलते हैं। तो टीवी में, न्यूज़पेपर में या चर्चा होता होगा, संसद है, संसद है, पार्लियामेंट है, एमपी है। तो इंडिया इज ए कंट्री वेयर पार्लियामेंट इज द इज फाउंड एंड इट इज ऑल्सो वेरी पावरफुल, क्योंकि पार्लियामेंट में ही प्राइम मिनिस्टर बैठते हैं, और प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं, प्राइम मिनिस्टर का पावर आप सब जान रहे हैं। देन लास्ट इज अ फेडरल यूनिटरी, इंडिया इज द कॉम्बिनेशन ऑफ नंबर ऑफ स्टेट्स, सो इट शोज ए फेडरल फीचर, राज्य के लिए अलग कानून और पूरा देश के लिए कुछ कानून अलग बनता है, फेडरल फीचर। यूनिटरी, दो वी हैव डिफरेंट स्टेट्स बट
we more think that we are Indian. भारत हमारा देश है, भारतीय हम लोग है, पूरा देश है। और ये जो छोटा छोटा राज्य बना गया है, कई राज्य, इसको बना गया है शासन ढंग से चलाने के लिए। दिल्ली से कौन आपको आके देखेगा आपका एरिया में पानी का समस्या है, बिजली का समस्या है? तो दिल्ली से हमेशा कोई आएगा नहीं ना, इतने दूर हो जाएगा देश। इसलिए ऐसा किया गया है कि राज्य रहेगा, राज्य के बाद जिला रहेगा, जिला में कलेक्टर होंगे, वो समझ पाएंगे लोकल प्रॉब्लम क्या है, एंड दे ही कैन ऑल्सो टेक द नेसेसरी स्टेप्स। और लोगों का जो दिक्कत होगा वो कलेक्टर ऑफिस में पहुंचेगा, बताएगा। अब हर चीज़ के लिए दिल्ली कौन जाएगा वहाँ बात करने के लिए, इतने दूर इतने पैसा लगा के? तो ये है आपका, इतने आज आप पढ़ेंगे। और अभी स्क्रीन शेयर हम बंद कर रहे हैं, रेस्ट पार्ट यू विल सी इन नेक्स्ट पीरियड। Thank you.